वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव बीएल मीना एवं उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक ने शासकीय योजनाओं के संबंधित गेहूँ धान खरीद एवं उर्वरक की उपलब्धता के संबंध में चर्चा की। गोरखपुर के एनआईसी सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पीसीएफ के क्षेत्रीय प्रबंधक तरुणेश कुमार सहित कृषक सेवा केंद्र के प्रभारी और भंडार नायक मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रमुख सचिव सहकारिता विभाग बीएल मीणा ने कहा कि गेहूं खरीद के भुगतान की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए और धान खरीद की तैयारी अभी से शुरू कर दी जाए। इसके अलावा किसानों को खाद की कोई कमी न रहे, इसके लिए सभी केंद्रों पर उर्वरक की पर्याप्त व्यवस्था की जाए, जिससे किसानों की उपज को बढ़ाया जा सके। आप ये बताइए, आपके यहाँ सीएमआर में डिलीवरी को बाकी है, गेहूं में डिलीवरी को बाकी है, किसानों के पेमेंट भी कुछ बाकी है और सोसाइटी का कमीशन भी आपने पे नहीं किया है? सर, सोसाइटीफिकेशन में भी शॉर्टेज नहीं है, तो दूसरे के साथ जाना चाहते हैं, हर काम में आप पीछे क्यों हैं? एक्सप्लेन करिए। सर, हो गया है और ये जो करंट है उसका रह गया है, और धान का कमीशन जो अभी सीएमआर होता है इसका बाकी कमीशन हमने पूरा दे दिया है। या क्या जो मीटिंग में आपसे कोई दुश्मनी आपसे बोले जाएगा, आप लास्ट में हो मेरे भाई, कहाँ कर दिया है? कोई इनके पीसीएफ के और अधिकारी बैठे हैं, ये तीन चार जो हैं, ये सभी पीसीएफ के भाई हैं। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर साहब कुछ देर तैयारी की हो, आप सबसे लास्ट, तो आपको 7 दिन का टाइम देते हैं, अगली बार फिर एम पी साहब मीटिंग करेंगे तो आप इम्प्रूव करें। अम्बेडकर नगर में बोलो भाई, आपके साहब तो कुछ बता नहीं रहे, बोलो किस पद पे हो आप, लास्ट 10 में हो, 7 दिन में क्या करने जा रहे हो, कुछ 15 दिन में कार्य योजना बताइए। अकाउंटेंट साहब, सर पूरा कर देंगे 7 दिन में। सर बलिया भी है, बलिया हरेक में रहता है, बलिया वाले थोड़ा पैसे दीजिए। बलिया बलिया सर, प्रणाम सर, प्रणाम। आप जैसा भी बोलो, किस से पीछे है, लास्ट है सर। बलिया आप बताइए, आप यहाँ सीएमआर भी अनडिलीवर्ड है, गेहूँ भी अनडिलीवर्ड है, सोसाइटी का कमीशन भी नहीं हो पाया है, जब तक हम लोग सोसाइटी को भुगतान नहीं करेंगे तब तक एफसीआई में बिल नहीं लगा पाएंगे, एफसीआई में बिल नहीं लगाएंगे तो हमें भुगतान प्राप्त नहीं होगा। इसके बारे में लगातार आप लोगों को पत्र लिखा जा रहा है कि सोसाइटी के हिसाब का मिलान करते हुए उनका कमीशन पर हमें काम कर रहे और सोसाइटी कमीशन का भुगतान करने के बाद एफसीआई से प्राप्त करें। यदि हम सोसाइटी को भुगतान नहीं करेंगे तो एफसीआई को बिल नहीं लगाएंगे, तो हम लोगों के आपस के चक्कर में एफसीआई में पैसा फंसा रह जाएगा। इसलिए हमें प्राथमिकता पर इसके बारे में बयान देते हुए इसकी कार्रवाई को करनी थी। एआर कोऑपरेटिव साहब को बताया गया है कि सोसाइटी के सचिवों को अपने आप बुला लेंगे और प्लस जिला प्रबंधक कड़क भी उसमें रहेंगे। किसी जिले में कोई समस्या आ रही है इसमें ये बताएं, कोई भी अफसर नहीं कराएंगे। इंश्योरेंस है, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए हम लोग यहाँ से प्रयास कर रहे हैं, उसमें जो भी रेमडी निकलेगी उसके पश्चात आप सी हमारा अपना मिलर के पास तैयार रखिए, तत्काल वो डिलीवरी कराने के स्टेट में आए, जो भी हम लोग यहाँ से निर्देश देंगे तदनुसार आप कार्रवाई करिएगा। तीसरा पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप एआर साहब जो कल तक आपके यहाँ योगदान कर लेंगे, सबसे पहले वो सोसाइटीज की मीटिंग वो भी रखना चाहेंगे, उसी मीटिंग में आप प्रत्येक दशा में हिसाब मिलान प्रत्येक सोसाइटी के साथ करके ज्वाइंट सिग्नेचर के साथ एक सोसाइटी वार विवरण तैयार कर लेंगे कि इस सोसाइटी को इस वर्ष का इतना कमीशन का भुगतान गेहूं का धान का किया जाना है। वो अगर धनराशि आपके पास उपलब्ध है तो ठीक है, नहीं उपलब्ध है आप यहाँ लखनऊ से मांग करिएगा, आपको नेक्स्ट डे धनराशि दे दी जाएगी और उस धनराशि कमीशन का भुगतान आप सोसाइटी के खाते में सीधे कराइएगा आरटीजीएस के माध्यम से। कोई भी चेक से, ड्राफ्ट से या किसी और मोड से कोई पेमेंट नहीं होगा, सीधे सोसाइटी के डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में खुले हुए खाते में धनराशि ट्रांसफर होगी और उसकी आप सोसाइटी वार सूचना बना करके वर्ष वार कितना कितना कमीशन का भुगतान किया है एक वीक के अंदर हमें पहुंचा देंगे। ये बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट भी समझ लें।